हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज वापस से मैं आपके सामने तीन सवाल लेके आई हूँ। वो सवाल जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ये वाली, कि आपका कम समय में रिवीजन भी हो रहा है और आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो आप सभी इसको क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसी लग रही है आपको। और एक और चीज़ है, अगर आप टेलीग्राम लिंक पे नहीं जुड़े हैं तो अभी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, कि वहाँ मैं डेली एक सवाल आपको देती हूँ, रेगुलरली एक सवाल आपको देती हूँ और उस एक सवाल को मैं सॉल्व भी करवाती हूँ। तो आप सभी उस पर जुड़ जाइए, आपके लिए बेनिफिट की चीज़ है। और ये क्लास आपको सुबह 9 बजे रेगुलरली होती है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वाले प्रश्न से। आपको एक सीरीज दे रखी है, 2, 5, 10, 6, 3, 6, 18, 4, 7 और 30। आपको बताना है रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें से कोई एक चीज गलत है, बताओ क्या। कुछ एक गलत है, देखो चलना शुरू करते हैं। 2 से 5 गए, कितना हुआ? +3, +5, -7। +3, +5, -7, -3, मतलब कुछ गड़बड़ है। 2 बार प्लस 1 बार माइनस, फिर से प्लस, मतलब कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो होगा नहीं। और सोचिए थोड़ा सा, थोड़ा सोचिए और, नहीं समझ आ रहा, देखते हैं। देखो 5 2 जा क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ रहा है। 6 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ रहा है। 7 4 28 आएगा, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए था, 30 की जगह 30 आपका सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं, वेन डायग्राम का सवाल है आपका। अध्यापक अविवाहित और पिता, इसमें रिश्ता बताना है। क्या सभी अध्यापक अविवाहित होते हैं? नहीं, कुछ अध्यापक शादीशुदा होते हैं, कुछ अध्यापक अविवाहित होते हैं। क्या सभी अध्यापक पिता होते हैं? नहीं, कुछ अध्यापक पिता होते हैं, सम अध्यापक और पिताज, ठीक है। क्या सभी अविवाहित पिता होते हैं? नहीं, अविवाहित है तो पिता कैसे होंगे, और अगर पिता है तो अविवाहित कैसे होंगे, मतलब इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। तो देखो, अविवाहित ये रहा, पिता ये रहा, ये तो रहा आपका अविवाहित, ये हो गया आपका पिता, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, और बाकी इसमें सम का रिश्ता है, क्या अध्यापक। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 8, 13, 30, 7, 12, 9, 10, 15 का क्वेश्चन मार्क। सवाल को पढ़िए, बताइए, इस सवाल को देखिए, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। मेनली हम क्या सोचते हैं, कि इन दोनों को ऐड करके कुछ यहाँ पे आएगा, या इन दोनों को करके कुछ यहाँ पे आएगा, मेनली यही सोचा जाता है। मेनली अगर आप सोचोगे इन दोनों में कुछ ऐसा करे कि 10 आ जाए, और इन दोनों में कुछ ऐसा करे या फिर 10 आ जाए, कुछ इस टाइप का लॉजिक बनता है, पर यहाँ पे कुछ लॉजिक अलग है। देखो एक और चीज है आपको इस क्लास को लेने के लिए, आप इसको पॉज करके देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। पहले सवाल देखो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो देखो कि इसमें आपको क्या सही है क्या गलत हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ अलग है, क्या करें, 8 प्लस 10 किया, 8 और 10 कितना हुआ, 18 हो गया। 18 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 9 में 2 माइनस किया 7 आ गया, ठीक है। सेम देखते हैं, 13 प्लस का 15, 5 6 7 8 28, 28 बाय 2, हाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, -2 कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब सही है। क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 माइनस का 2, तो देखो 10 प्लस 2, 10 प्लस 12 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 में 2 गए 11 हो गया, 11 में 2 माइनस किया 9 हो गया, बिल्कुल सही है, 12 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आई थिंक, तो हमेशा याद रखना, जो चीज हम पढ़ते हैं हमेशा क्या, वो हमेशा सही नहीं होता, वो लॉजिक हमें सही नहीं होता। देखिए यहाँ पे हमने अलग देखा, हम लोग क्या करते थे, इसको प्लस करके ये बनाते थे, अभी हमने क्या किया, इसको प्लस किया और ये बनाया, तो लॉजिक कोई भी सकता है। आप लोग प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना आपको समझ में आएगा कि दुनिया में सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आते हैं, और आपने साथ ऑब्जर्व भी किया होगा कि यही सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। 30 में से 30 मार्क्स लेके आने के लिए हमें कोई भी सवाल को छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दिमाग में 30 मार्क्स रखोगे तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। तो क्लास को ऑफ करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, वापस से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। सुबह 9 बजे क्लास होती है, कोई भी देखना ना भूले, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, बाय बाय।